चीन जो हमारे प्यारे भारत जैसी ही एक प्राचीन सभ्यता है, जिस प्रकार हमने मानवता के विकास के लिए कई नई खोजें की है उसी प्रकार चीन ने भी की है। उदाहरण के तौर पर जिस बंदूक की नोक पर अंग्रेजों ने भारत पर इतने साल राज किया, उस बंदूक में डलने वाला गन पाउडर की खोज चाइना में ही हुई थी। जिस प्रकार भारत का सालों साल शोषण किया गया उसी प्रकार चाइना का भी इन विदेशी ताकतों द्वारा काफ़ी शोषण किया गया। आज़ादी के जस्ट पहले चाइना में एक बड़ा गृह युद्ध देखने मिला, जिसके बाद आपको आज का चीन और ताइवान देखने को मिलते हैं। आज हम इसी अपने पड़ोसी द कम्युनिस्ट चाइना की बात करने जा रहे हैं। आज़ादी के बाद 20वीं शताब्दी के अंत तक चीन बड़ी तेज़ी से ग्रो किया, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण था उनकी आबादी का, जिन्होंने गाँव से शहर की तरफ प्रवास किया। देखिए, चीन हमारी तरह ही एक किसान प्रधान देश हुआ करता था, जहाँ की बड़ी आबादी गांव में रहती थी। लेकिन आज़ादी के बाद बहुत तेज़ी से ग्रो करने के लिए चीन विश्व का निर्माता बन गया, यानी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसके लिए चीन के लोगों ने गांव से शहर की तरफ जहाँ पे फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पे प्रवास करना शुरू किया। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 20 साल में चीन की शहरी जनसंख्या 2 गुने से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और यहीं से शुरू होती है चीन के अभूतपूर्व विकास और आने वाली बर्बादी की एक रोचक कहानी। चीन की बढ़ती आबादी के साथ बढ़ने लगी डिमांड घरों की, और इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए सामने आई चीन की निजी कंपनियाँ, जिसमें सबसे बड़ी थी एवरग्रैंड। ये कंपनियां घरों की पूर्ति करने के लिए भारी मात्रा में कर्ज लेके कंस्ट्रक्शन करती थी। चीन में घरों की डिमांड सिर्फ इस कारण नहीं थी कि लोग गांव से शहर की तरफ प्रवास कर रहे थे, इसके पीछे 2 और मुख्य कारण थे। पहला कारण, कई बार चीनी आम आदमी के लिए निवेश का सबसे अच्छा और कई मायनों में एकमात्र जरिया था घर खरीदना। और दूसरा कि पहले चीन के कम्युनिस्ट तंत्र में आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते थे, लेकिन जब चीनी सरकार ने इसको अलाउ किया तो आम आदमी में भी एक सपना जगा अपने घर लेने का। लेकिन देखते देखते ये एक स्टेटस सिंबल बन गया, और कुछ इस तरह का स्टेटस सिंबल बन गया कि शादी से पहले भी लोग पूछने लगे कि आपके पास कितने घर हैं। इसी तरह से घर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इनफैक्ट घर की डिमांड कंस्ट्रक्शन की रफ्तार से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी, और इसी के बाद चीन की निजी कंपनियों ने बुना स्कैम और फ्रॉड का एक गंदा जाल। ये चीनी कंपनियां सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि विदेशी निवेशकों से भी भारी मात्रा में कर्ज लेती थी। उसके बाद उस कर्ज का प्रयोग करके ये चीनी अधिकारियों के साथ मिलकर वहाँ पे ज़मीन खरीदती थी, और उस ज़मीन पे दिखाती थी कि यहाँ पर आपके घर का कंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन उस घर के कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही पूरी कीमत पे वो घर चीनी आम आदमी को बेच दिया जाता था, और जो घर अभी बन के तैयार नहीं हुआ, इनफैक्ट जिसका कंस्ट्रक्शन तक शुरू नहीं हुआ, जिसकी नींव भी नहीं पड़ी, वो सिर्फ कागज़ पे है कि उस कंपनी ने वो ज़मीन खरीद ली, उस घर के लिए चीनी आम आदमी भारी कर्जा लेता था चीन के बैंकों से। और चीन में घरों की कीमत कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी कि आम आदमी को वो कर्ज़ा चुकाने के लिए लगभग 50 साल लग जाते। ठहरिए, ज़रा सोचिए, जो घर अभी तक बना नहीं, चीनी कंपनियों ने उस घर को आम आदमी को बेच दिया, और आम आदमी ने उस घर को पूरी कीमत के साथ खरीदा, और उस पर कर्ज भी चल रहा है, और कर्ज इतना कि उसको 50 साल लग जाए चुकाने के लिए। क्या ये आपको एक पोंजी रूपी स्कैम नहीं नज़र आता है? क्योंकि चीनी कंपनी करती क्या थी, सिर्फ चीन से नहीं बल्कि विदेशी निवेशकों से भी भारी मात्रा में कर्ज लेती थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी इनके बॉन्ड में निवेशक थे, तो इनके पास बहुत पैसा हुआ करता था चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के पास। उस पैसे का यूज़ करके और लोकल अथॉरिटी के साथ मिलके या वहाँ पे लोकल ज़मीन खरीद लेते थे, उसके बाद उस ज़मीन पे जो घर बना ही नहीं उसको बेच देते थे, और आम आदमी उस पे कर्ज भी ले लेता था। उससे जो इनको पैसा आता था वो अपने प्रॉफिट के तौर पर दिखाते थे, और फिर जाके और ज़मीन खरीद लेते थे। यानी वो ज़मीन खरीदने का सिलसिला चलता रहता था, लेकिन घर का कंस्ट्रक्शन और उसकी डिलीवरी होती ही नहीं थी। फिर हुआ क्या, ये एक स्कैम है। आ गया 2020, यानी एक वायरस का अटैक। उस वायरस के अटैक के बाद घरों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा गिर गई, और जिन लोगों ने घर लिए थे वो भी अपना घर मांगने लगे, क्योंकि उसकी डेट भी आ गई। लेकिन वो घर देंगे कैसे जब उन्होंने घर बनाया ही नहीं। इसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया। आक्रोश कुछ इस प्रकार का कि उन्होंने बोला कि हमारे पर जो होम लोन चल रहा है उसके जो भी ब्याज लग रहे हैं, हम ब्याज तब तक पे नहीं करेंगे जब तक आप हमको हमारा घर नहीं देते हो। लेकिन घर तो बना नहीं, तो दे कहाँ से।
और इसके बाद एक और झटका लगा इन कंपनियों को जब चाइना की सरकार ने 3 कानून ला दिए इन कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर। इन कानून के आने के बाद इन चीनी कंपनियों का लोन लेना और बहुत मुश्किल हो चुका है। तो एक तो आपकी सप्लाई और डिमांड दोनों साइड से ये कंपनियों पे भारी झटका लगा। उसके बाद आप उन बैंक का सोचिए जिन्होंने लोगों को कर्ज दिया था। अगर लोग अपने कर्ज पे ब्याज नहीं देंगे तो बैंक कमाएगा क्या, पहली मार। लेकिन दूसरी मार, उन्हीं बैंक ने भारी कर्ज दिया था इन सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को। उसके बाद चीनी सरकार कहती है इनको कर्ज मत दो। अगर इनको कर्ज अब नहीं दिया जाएगा तो वो अपने पुराना कर्ज चुकाएंगे कैसे। यानी चीन की अर्थव्यवस्था के जो सबसे बड़े स्तंभ हैं दो, एक आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि 30% ऑफ द जीडीपी है, और दूसरी आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको मिला के चीन की अर्थव्यवस्था ही पूरी बनती है, उन दोनों पे ही भारी खतरा आ चुका है। लेकिन तीसरा खतरा एक और है। किसी भी कम्युनिस्ट सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है लोगों का आक्रोश। उसी तरह से इस टाइप की सरकार गिरती है कम्युनिज्म में। टाइम एंड टाइम अगेन लोगों ने देखा है ये बात, और ये भी चीनी सरकार को खाए जा रही है। यानी एक तो अर्थव्यवस्था में दिक्कत और उसकी वजह से होने वाले जन आक्रोश को कैसे झेलेगी चाइना, उन पे आने वाला है बहुत बड़ी मुसीबत। और हो सकता है चीन ने जितनी तेज़ी से ग्रोथ दिखाई है वो सारी उन पे भारी ना पड़ जाए। लेकिन हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। जहां भारत के आसपास के सारे देश मुसीबतों से जूझ रहे हैं, वहीं भारत की स्थिति बहुत बहुत बेटर है। इस महान देश के आने वाले आज़ादी के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और ध्यान रखिएगा, इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे और आपके पूर्वजों ने अपने जान का त्याग किया था, और उतना ही नहीं आज भी ये त्याग हर दिन बॉर्डर पर चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जय हिंद जय भारत।